वेलकम बैक फैमिली टू योर यूट्यूब चैनल द गुड़गांव बिल्डर फ्लोर्स। मैं ऋत्विक आपकी हाई डिमांड पे वापस एक टेरेस यूनिट लेके आए हैं आप लोगों के लिए इन द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन ऑफ गुड़गांव डीएलए फेज 3। एक अंडरडॉग लोकेशन रही है ये पास फ्यू ईयर्स से, क्योंकि हाँ थोड़ा सा जो विलेज पार्ट लगता है इस पे तो वो इसे थोड़ा सा ड्रॉबैक कर देता है, बट इस फ्लोर की लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं इन डीएलए फेज 3 इज वेरी नियर टू द मेट्रो स्टेशन और बहुत ही प्रीमियम और पोश लोकेशन है। बात करते हैं बिल्डर की, तो बिल्डर की अपने आप में ही एक अलग गुडविल है जिनका प्रोडक्ट आज हम आपको शोकेस कर रहे हैं। इट्स अ 500 स्क्वायर यार्ड्स प्रोजेक्ट, आपको 4 BHK मिलता है प्लस स्टडी और पाउडर रूम और बहुत अच्छा लेआउट विद आपको बेसिक एमिनिटीज लाइक एक अच्छी एमिनिटी इन्होंने प्रोवाइड करी है। एक बेडरूम में आपको स्टीम एंड सोना भी दे रहे हैं ये। साथ में जो टेरेस यूनिट रहेंगी वो 3rd एंड 4th फ्लोर को दोनों को मिलेगी, दोनों को एक डेडिकेटेड 50-50% पार्ट मिलेगा फॉर द टेरेस यूनिट। तो जैसे आप देख सकते हैं ये इनकी टेरेस डिज़ाइन करी हुई है। आज मैं टेरेस से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनकी टेरेस डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा टेबल टॉप, बहुत डिसेंट सा सीटिंग एरिया और एक आपको अच्छा फील दे रही है। एक नया कंसेप्ट इन्होंने लॉन्च करा है जो कि आपने देखा ही है, जैसे बड़े बिल्डर्स कर रहे हैं जैसे बिरला अदानी की, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टेरेस गार्डन विद तीनों फ्लोर वालों को एक एक डेडिकेटेड एरिया देने में। तो इन्होंने भी 3rd एंड 4th फ्लोर को टेरेस राइट का एक आपको प्रोविजन प्रोवाइड करी है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि एक नई कंसेप्ट वो मार्केट में लाए हैं कि 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर वाले को भी ये चीज़ मिलती है। सो गाइज आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ दिस फ्लोर, आपको जॉनसन की लिफ्ट मिलती है। एंट्री पे ही एक बहुत ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग वॉल, बहुत अच्छा वुडवर्क विद विनियर का काम, इतना सोबर सटल लुक दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्डर का नाम ही एक गुडविल है तो वो आपको इनके काम में भी दिखेगा। सो लेट्स कनेक्ट। सो दिस इज़ आर एंट्रेंस, वापस से 8 फीट चौड़ा डोर, बहुत ही अच्छा विनियर का सोबर काम, एंड प्लीज़ अब आइए। सो दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया, ये आपका डाइनिंग एरिया आता है। बेसिक सा मैं थोड़ा सा लेआउट आपको समझा देता हूँ। डाइनिंग एरिया के पास राइट में आपकी किचन है, 3 बेडरूम्स आपको मेरे लेफ्ट में मिलता है, एक बेडरूम आपको फ्रंट बालकनी पे मिलेगा और एक एंट्री पे पाउडर रूम। पहले एक बार एंट्री के पे पाउडर रूम को कवर कर लेते हैं। जैसे ही आपने घर एंटर किया तो एक हाईलाइटिंग वॉल आपको एंट्रेंस पे भी मिली, साथ में एक पाउडर रूम मिला फॉर द गेस्ट। प्लीज हैव अ लुक, ऑल इटालियन मार्बल यूज्ड, कोई भी टाइल का काम नहीं है, सारा इटालियन मार्बल यूज्ड है। और आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड की आपको बाथरूम फिटिंग्स मिलती है। सो प्लीज़ नाउ लेट्स कवर आर ड्राइंग रूम। तो दिस इज़ आर ड्राइंग रूम, हैव अ लुक, व्हाट अ ग्रेट सोबर लुक ड्राइंग रूम है। एक अच्छा सा शैंडलियर विद बेसिक लाइटिंग आपको फॉल सीलिंग में, सीलिंग हाइट्स में दिख ही रही हैं। तो कितना सोबर और सटल लुक का ड्राइंग रूम, एक हाईलाइटिंग वॉल वापस से, व्हाट अ ग्रेट वर्क आई मस्ट से। इतना अच्छा उन्होंने वुड से प्ले अराउंड करने की कोशिश करी है, आपको एक पूरा शोकेस एरिया आपके ड्राइंग रूम में प्रोवाइड किया है। जैसे आपको दिख रहा है कि ड्राइंग डाइनिंग और आपके जो कॉमन एरियाज है उसमें VRV ACs आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डर। सो नाउ लेट्स कवर आर डाइनिंग रूम। सो हम वापस आ गए अपने डाइनिंग रूम में, बहुत सफिशिएंट एरिया वाला डाइनिंग रूम है। आप यहाँ पे 8 सीटर, 10 सीटर, 12 सीटर जितना भी डाइनिंग टेबल आपने डालनी है आपको डाल पाएंगे, और वापस से फिर भी आपको बहुत अच्छा पैसेज बच जाएगा बाकी एरियाज में जाने का। इन्होंने बहुत ही अच्छा हाईलाइट किया हुआ डाइनिंग हॉल को विद ये ब्यूटीफुल लैम्प्स के शैंडलियर्स, साथ में एक आपको टेबल टॉप दिया है जिसे आप बार भी बना सकते हैं, या फिर जैसे आपकी कोई छोटी मोटी गैदरिंग है तो आपका किचन से फूड आ रहा है तो वो आप यहाँ से एक्सेस करा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी यूज़ उन्होंने कर दिया है इस एरिया का। साथ में आपका एक और वापस से शोकेस एरिया इन योर डाइनिंग रूम, जैसे इन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। तो बिल्डर ने आपको पूरे घर को तरीके से डिज़ाइन भी कराया है ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि हाउ यू कैन
थोड़ा सा अपने इंटीरियर्स पे काम कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कवर आर फर्स्ट बेडरूम। सो हेयर इज़ द एंट्री ऑफ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डर फ्लोर। वुडन फ्लोरिंग, बहुत सटल फ्लोरिंग है। साथ में आप एक बार सीलिंग देखिए, हैव अ लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम। विनियर का काम, वुड का बहुत सटल और नीट काम, जिसे कहते हैं ना लग्जरी विथ नीटनेस। उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, करा के दे दी, और बहुत नीटली और सोबरली, ज़्यादा तड़कता भड़कता काम ना करा के कि आँखों को ना चुभे, उन्होंने बहुत ही प्यारा काम करा है। तो अब इनके हम वॉकिंग क्लोजेट में आ गए हैं। वॉकिंग क्लोजेट में आपको ये ग्लास अलमीरा मिलती है, पूरा सफिशिएंट स्पेस मिलता है आपको। एंड प्लीज़ कम, ये बाथरूम एंटीस्किड टाइल्स नीचे, और एक अलग थीम की टाइल्स, हैंगिंग शावर, अमेरिकन स्टैंडर्ड का आपको बाथरूम फिटिंग्स, प्रीमियम, आई मस्ट से प्रीमियम। एक आपको यहाँ पे ग्लास पार्टीशन मिलना है, वो जब अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, एंड विल प्रोवाइड यू द ग्लास पार्टीशन एज वेल। नाउ लेट्स कवर आवर सेकंड बेडरूम। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस यूनिट, हैव अ लुक। वापस से एक हाईलाइटिंग वॉल विद ग्रेट वुडवर्क, बहुत प्यारा वुडवर्क विद कॉपर पैनलिंग, एंड दोनों का बहुत अच्छा यूज़ उन्होंने करके एक हाईलाइटिंग वॉल दे दी है। वापस से आपका टीवी का एक यूनिट, साथ में वॉकिंग क्लोजेट। आइए प्लीज़, इसमें अलग कंसेप्ट की आपकी वार्डरोब्स हैं, इसमें इन्होंने माइका यूज़ करी है। सेम डिफरेंट कंसेप्ट का आपका बाथरूम, आपने एंट्री करी, एंटीस्किड टाइल्स, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ टाइल्स ऑन द वॉल्स, और साथ में अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स, वेरी प्रीमियम एंड सुपर लुक, आई मस्ट से। नाउ लेट्स कवर आवर थर्ड बेडरूम। सो गाइस, दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑफ दिस यूनिट, फ्रंट बालकनी पे पड़ता है। हैव अ लुक, नाइस, थोड़ा सा बेसिक सीलिंग्स आपको बेसिक लाइट्स के साथ दिए, एक आपका टीवी यूनिट, साथ में आपको एक स्टडी टेबल टाइप भी इस रूम में प्रोवाइड कर दिए। साथ में हाईलाइटिंग वॉल पे आप देखेंगे तो वापस से आपका क्रोम का काम, क्रोम का वर्क विद योर अपना विनियर यूज़, साथ में ग्लास का यूज़ भी किया है, और आपको हैंगिंग लैम्प्स भी दिए हैं टू एनहांस द लुक, वेरी नीट एंड प्रीमियम, लग्जरी, आई मस्ट से लग्जरी। सो दिस इज़ द वार्डरोब सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, स्लाइडर्स, वेरी प्रीमियम वर्क, आई मस्ट से। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज़ विजिट ज़रूर करिए, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो इस यूनिट को विजिट करना ना भूलें, बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छी यूनिट है, साथ में ब्लैक एंड वाइट, साथ में कॉपर का यूज़, वाओ। सो दिस इज़ द बाथरूम यूनिट, कम इनसाइड, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ टाइल्स, हर एक बाथरूम में अलग कंसेप्ट की टाइल्स है, उन्होंने प्ले आउट करने की कोशिश करी है, और बहुत अच्छा लग भी रहा है। साथ में अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की आपकी फिटिंग्स, यहाँ पे आपका ग्लास पार्टीशन आ जाएगा। एंड वेट 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 गाइस, ये मिस मत करना, दिस इज द स्टोना एंड सीम बाथ एरिया, वाओ, हैव अ लुक, माय गॉड, 500 गज के फ्लोर में आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस और कहीं नहीं मिलती। विद दिस बिल्डर यू गेट दीज काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस। सो हमें एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा फॉर द वर्क ऑफ दिस बिल्डर। सो नाउ लेट्स कवर आर मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस यूनिट, देखना चाहेंगे मास्टर यूनिट, मैं क्यों इसको बार बार मास्टर यूनिट कह रहा हूँ, हैव अ लुक। ये आपका बेड एरिया नहीं है, ये आपका सीटिंग एरिया है, जिसमें भी आपको एक टीवी की प्रोविजन, वापस एक यूनिट आपको मिलती है विद द वुडवर्क। वापस से सीलिंग देखिए प्लीज़, वुडन कैटलिंग की सीलिंग, बहुत ही प्रीमियम और सोबर लुक विद स्टोरेज, मास्टर बेडरूम में ओपन स्टोरेज, ये जी सीटिंग एरिया है आपका। नाउ वापस हम अपना बेड एरिया पे आते हैं, हैव अ लुक, इसलिए मैं इसको मास्टर बेडरूम कह रहा हूँ, रियल में मास्टर है, हैव अ लुक। यहाँ पे आपका किंग साइज बेड आ जाएगा, ये उसके पीछे की हाईलाइटिंग वॉल, वुड वर्क विद विनियर का काम, एंड आपका विद यूज ऑफ ग्लास एंड कॉपर स्ट्रिप्स, बहुत ही प्रीमियम एंड आई मस्ट से
luxury art is best. So this is the wardrobe section. Have a look. I must say, enough storage. Have a look. All soft closure. किसकी बाथरूम में क्या है? वापस से हमने एंट्री ली. डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ टाइल्स. ये आपका पॉट एरिया आ गया. वापस से अमेरिकन सैंडल की आपकी फिटिंग्स. बाथ एरिया कहाँ है? हेयर इट इज. प्लीज हैव अ लुक. हैंगिंग शावर प्रीमियमनेस. आई मस्ट से जो स्मेल जो वाइब यहाँ से आ रही है ना, आई मस्ट से मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्लीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हमारे साथ, प्लीज़ डू विजिट दिस प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स कवर आर फेवरेट पार्ट ऑफ माइन, द किचन एरिया. कम ऑन गाइज. सो दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द किचन. राइट साइड में पहले हम अपनी फेवरेट प्लेस जो हमारी होनी चाहिए, मंदिर रूम. व्हाट अ ग्रेट डिज़ाइन मंदिर. आपके किचन के एडजेसेंट बहुत ही वास्तु कॉम्प्लायंट प्रॉपर्टी है. साथ में हमने किचन में एंट्री ले ली है. हैव अ लुक. व्हाट अ ह्यूज साइज किचन. बहुत प्यारी है. हैफल के आपको हॉब एंड चिमनी, OTG माइक्रोवेव. पूरी किचन में हिटच का काम, सारा किचन हिटच. सॉफ्ट क्लोजर. हैव अ लुक. सॉफ्ट क्लोजर. एक नया डिज़ाइन उन्होंने किचन में यूज़ करा है. आपका फ्लोरिंग पे तो बर्बरी बेज है, लेकिन जो आप किचन में देखेंगे इट्स अ ब्लैक एंड वाइट थीम. ब्लैक आपका ब्लैकिश, थोड़ी सी आप इसमें माइका यूज़ करी गई है. कंपनी फिटेड वारंटी किचन है. साथ में आपका जो टेबल टॉप है इट्स अ वाइट कलर. साथ में किचन से आपको एक वापस से एक्सेस मिलता है टूवर्ड्स योर डाइनिंग रूम, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि ऐसे आप बाहर एरिया बना सकते हैं, या फिर जब अगर आपकी कोई घर में छोटी मोटी गैदरिंग है, यहाँ से फूड डिलीवर करना है तो यहाँ से ही हम उसका एक्सेस कर सकते हैं. तो बहुत ही एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस है. बहुत स्पेस है आपको पूरी किचन में. किचन की आपकी सीलिंग देखेंगे तो वापस से वुडन सीलिंग है. तो नो कॉस्ट कटिंग उन्होंने हर चीज़ देने की कोशिश करी है. साथ में किचन के साथ में एक स्टडी रूम आता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं. So this is the study room. Have a look. यहाँ पे तो वैसे ही बच्चों का पढ़ने का मन कर जाए, ऐसी वाइब्स आ रही हैं. This is the front balcony of this particular unit. Texture paint कर रखा है सारा. साथ में ग्लास और MS की आपकी रेलिंग्स है, तो पूरे पे टेक्स्चर पेंट है. बहुत वाटर प्रूफ टेक्स्चर पेंट. 10 साल कहीं नहीं जाता है. बहुत ही प्रीमियम काम. So now let's cover our back balcony. So this is the back balcony of this unit. Bed points. 3 bedroom से आपका access. देखिए, have a look of this balcony. कितनी बड़ी है और कितनी चौड़ी है. लगभग 5.5 feet चौड़ी और I guess 60 meter लंबी भी होगी. तो बहुत ही अच्छा काम. साथ में वापस से back balcony पे भी आपका texture paint. बहुत अच्छा premiumness है मस्त से. So this is the stilt of this beauty. आप देख सकते हैं 2 गेट आपके बैक पे. 2 फ्लोर ओनर्स को यहाँ पे आपकी 2 गाड़ी की डेडिकेटेड पार्किंग मिलती है, और 2 प्लॉट ओनर्स को आपके इस तरफ. प्लीज़ आइए, दिखा देते हैं हम. हैव अ लुक जी. बाकी 2 फ्लोर ओनर्स की पार्किंग का आप एक, क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है, जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. NDLF फेज 3, 500 स्क्वायर यार्ड्स, टॉप नॉच बिल्डर. आपने काम देखा. IMS से काम देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हाउ इज़ परफॉर्मिंग इन द मार्केट. तो इफ़ एनी रिक्वायरमेंट आप लोगों की है NDLF फेज 3 एंड ऑफ दिस साइज, प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा. अभी फ़िलहाल इसमें 4 यूनिट्स अवेलेबल हैं. तो एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक वॉर्म वेलकम प्यार है. आप लोगों ने जैसे हमें अभी तक दिया है ऐसे ही देते रहिए. तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपनी अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी नीड्स इन
फॉर बिल्डर फ्लोर्स प्लॉट्स इन गुड़गांव. सो विल हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच गाइज. साइनिंग ऑफ ऋत्विक.